हे गाइस, जब खाना बनाने का मन ना हो और कुछ हेल्दी खाना हो तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, एक ग्लास लेना है, उसमें एक बड़ी चम्मच ओट्स डाल दो। एक छोटी चम्मच डाल दिया हमने चिया सीड्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक पिंच दालचीनी का पाउडर। और इसको क्या करेंगे, हम डाल देंगे दूध इसके ऊपर से, नॉर्मल जो उबला हुआ दूध होता है ना, हमने वो डाला है। एक चम्मच शहद डाल दीजिए, क्योंकि हेल्दी बना रहे हैं तो हम चीनी का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। बहुत ही हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये। और इसमें हमने डाल दिया एक मैश्ड बनाना, यानी बनाना लिया, उसको फोक से ऐसे मैश करके इसके अंदर हमने डाल दिया। और इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर देंगे। और क्या करना है कि इसको ओवरनाइट रख देंगे, यानी रात को आप इस तरीके से बना के रख सकते हैं और सुबह एक यम्मी सा ब्रेकफास्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो सुबह जब आप निकालेंगे इसे तो देखेंगे कि ये ना थोड़ा सा थिक हो गया होगा, क्योंकि जो चिया सीड्स है, ओट्स है, वो ना दूध एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा पतला करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध आप और डाल सकते हैं और इसको भी कर लेंगे हम मिक्स। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब गार्निश करेंगे ऊपर से हम इसको कटे हुए बनाना से। और यहाँ पे डाल दिया हमने थोड़ा सा पीनट बटर। पीनट बटर काफ़ी हेल्दी होता है तो ये भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो पीनट बटर घर में भी बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ऊपर से आप इसको गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये आपका यम्मी ओवरनाइट जो ओट्स पुडिंग है ये बनके रेडी है। तो ब्रेकफास्ट में खाइए और दिन की शुरुआत कीजिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।